कांच ही कांच फैल रहा है। आप बताओ फोन चला रहा था, एक संग इतनी तेज ब्लास्ट सा हुआ ना, मतलब मैं भी फोन चला चलाते डर गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ और 7 बजे हैं अभी। तो अभी चलते हैं फिलहाल सबसे पहले अपनी शॉप पे। सुबह सुबह ही जाना होता है वहाँ पर, सुबह ही जिम ओपन होती है तो वहाँ पर सुबह ही जाके बैठता हूँ मैं और जिम करूँगा मैं अपनी 10 बजे। तो अभी फिलहाल जल्दी चलते हैं क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, 7 ऑलरेडी बज चुके हैं, 6:30 बजे तक पहुँचना होता है। तो गाइस चलते हैं अपनी बाइक पर, बाइक यहाँ खड़ी है। फिलहाल मैं तो आ गया हूँ दुकान पे और देखो बाहर से कितनी तेज अच्छी धूप चल रही है, बिल्कुल मतलब धूप आ रही है बहुत कैडी। और दुकान पे आके मैंने साफ़ सफाई कर ली पूरी क्योंकि कल आई नहीं थे संडे को, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी तो इस वजह से साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद ही ब्लॉगिंग शुरू करिए, ओपन कर ली दुकान। और हाँ, एक दिक्कत और आ गई गाइस, रास्ते में ना बाइक की चैन उतर गई तो फिर वहाँ से थोड़ा सा पैदल पैदल भी आना पड़ा। चैन उतरी है, टूट गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। अब देखो सही करवाएंगे उसे थोड़ी बहुत देर बाद जब घर जाएंगे। अभी तो फिलहाल 10 बजे जिम भी करनी है, शोल्डर मारने आज। तो चलो पहले इतनी देर कुछ डाइट वाइट लेते हैं, अपना डाइट क्या एप्पल एप्पल लाया हूँ वही खाऊंगा, सुबह मॉर्निंग में कहाँ से कुछ बनेगा। तो उसे ही खाते फिर जिम जाएंगे 10 बजे अपना। अभी फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। एक दिक्कत आ गई दुकान में, ये देखो ये वाली ना रैक टूट गई, पता नहीं ऊपर इतनी तेज डंबल गिरा जिम में और ये रैक टूट गई। देखो सारे पीनट बटर बिखर गए और पूरी ये कांच वाँच टूट गए। अब इसको सही करते हैं, यहाँ से साफ सफाई करते हैं। मैं ब्लॉग और बना रहा हूँ, इस चीज़ का मतलब बेकार हो गया, अब कर क्या सकते हैं, कुछ ही दीवार भी ऐसी हो रही है तो निकल गया। चलो करते हैं अब इसको साफ, सारे पीनट बटर गिर गए पर ये कोई पीनट बटर तो नहीं फूटा, बट रैक टूट गई है वाली। फोन चला रहा था, एक संग इतनी तेज ब्लास्ट सा हुआ ना, मतलब मैं भी फ़ोन चलाते डर गया, हो क्या गया। एक संग ये मतलब भट्ट से आवाज़ आई, जैसे कांच टूटता है ना आवाज़ करता है, तो ये रियलिटी में आवाज़ करी बहुत तेज, एक संग आवाज़ आई और टूट गया। मैं फोन चलाते ही लिया, देखो पूरे में कांच ही कांच फैल रहा है। आप बताओ दोबारा से दुकान साफ करो। पीनट बटर लगा दिए इधर उधर, ये देखो आधे यहाँ आधे यहाँ आधे यहाँ ऐसे चेंज कर दिए, कुछ यहाँ रख दिए, मतलब भाई रैक टूट गई। एक संग डरावना से ही सीन हुआ, मैं डर गया था पूरा। अभी फिलहाल हंसी और आ रही है पर नुकसान हो गया, हंसी क्या, एक संग बैठे बैठे डर गया हूँ भाई, किसी ने बम फोड़ दिया दुकान में। दिवाली तो चली गई पर अब किसी ने बम फोड़ दिया, चलो कोई नहीं अब दूसरा लगवाएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने इधर उधर लगा दिया आधे आधे, शायद इस पर वेट भी ज़्यादा हो गया था, एक संग बहुत सारी चीज़ रख दी थी, ऊपर कुछ जिम में डंबल भी गिरा। अपना जिम जाने का टाइम हो गया है और ये मैं नाइट्रिक्स लेके जा रहा हूँ, ये मतलब एक तरह का प्री वर्कआउट ही है प्रो न्यूट्रिशन का, इसे खा के जिम करेंगे भाई। इससे एक्सपेंस मतलब बढ़िया वाला एक्सप्लोड वाला पंप आता एकदम बढ़िया ज़बरदस्त। तो अभी इसको खाते हैं, फिलहाल 2 टैबलेट लूँगा मैं इसकी, वैसे 4 टैबलेट वो हैं पर मैं 2 ही लूँगा क्योंकि जिम में जाके क्रिएटिन भी पीना, थोड़ा सा मैं प्री वर्कआउट पे डालता हूँ तो इसको लेते हैं। साथ में मैं एक कैल्शियम की टैबलेट भी यूज़ करूँगा, बैग पूरा भर रहा है सामान से देखो। चलो इसको लेते हैं जल्दी से, टैबलेट मैंने निकाल ली, अब इनको पानी से लेते हैं। टैबलेट्स तो मैंने खा ली, अब बस इंतज़ार कर रहे हैं तुषार के आने का, जिसके साथ मैं जिम करता हूँ। स्कूल का ही दोस्त है अपना, कॉलेज स्कूल में साथ पढ़ते थे, वो यहीं आके रहने लगा है गुरुदरपुर में ही, तो साथ में जिम जाते हैं। और 10 बजे का टाइम मेरे ख्याल से सही है, सुबह टाइम नहीं मिलता, शाम को लेट हो जाते हैं, तो इसी टाइम जिम जा रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। अभी इतनी देर रेस्ट करते हैं, जब तक वो आता है तब तक टैबलेट खा ली, तब तक सेट भी हो जाएंगे, अंदर बॉडी में जाके मिल जाएंगी, फिर चलेंगे जिम अपना। आज मारने शोल्डर, भाई शोल्डर में मस्त पंप आना चाहिए एकदम। वेस्ट वेस्ट सब ले कर, बैग में सब रखा है अपने बैग में, मतलब सारी चीज़ें एक टू जेड आ गया। आप चलते हैं अपना जिम, ये बैग उठा के चलते हैं, चौप को वहीं पर लॉक कर देंगे, जिम ऊपर ही जाना है, कहीं दूर थोड़ी नहीं जाना। भैया राम राम, चलो ये अब आ गए हम जिम में अंदर। तो 10 बजे बिल्कुल सन्नाटा सा रहता है। प्री वर्कआउट भूल गया, इसमें अपना माल डाल दिया हमने इसमें। एक लौंडा आया मेरे पास 2-3 दिन हो गए, कह रहा था मेरे से कि भाई ऐसी कोई चीज आती है जो 1 महीने में 90 किलो वजन बढ़ा दूं। मैंने कहा भाई मेरे पास ना, तो कहीं और जाके ले ले यार, मतलब कैसे कैसे अजीब अजीब लोग आते हैं फिल्म वाले, 1 महीने में कुछ होता है क्या we
to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Warm up ho gaya hai, shoulder pump. Pehli shot kar de shoulder press se. Bhai chappal mein yaar ka gym to joote mile na gareeb ho gaye. तो गाइस वर्कआउट हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं नीचे शॉप पर अपनी प्रोटीन प्रोटीन पियेंगे। देखो शोल्डर में पंप बढ़िया आ रहा है भाई। जिम करके अब हम सीधा आए अपनी बाइक से ही करवाने। मैं बता रहा था बाइक की चैन टूट गई, तो अब वो सही हो रही है। जिम से डायरेक्ट यहीं पर आ गए हम, दुकान पर रुके थे, रुक के चाबी ली और आ गए, अब इसको सही करवाते हैं। वही बाइक खड़ी करके मैं वापस आ गया हूँ दुकान पे, क्योंकि वहाँ पर तो टाइम लगेगा अभी बाइक सही होने में, तो इतनी देर यहाँ बैठ जाते हैं भाई। बाहर बहुत गर्मी हो रही है, जैकेट वैकेट भी उतारते हैं। पता नहीं क्या ठंड आने के टाइम पर गर्मी शुरू हो गई है। अब बाइक सही होगी, लेने जाएंगे थोड़ी बहुत देर बाद। अभी के लिए फिलहाल जिम के बाद पीते अपना प्रोटीन, ऑन का वे प्रोटीन हेरा, इसको पीते। पोस्ट वर्कआउट में यही चलेगा, क्योंकि अभी जिम करके आए तो प्रोटीन ज़रूरी है। फाइनली अब आ गए घर, बाइक खड़ी कर दी, बाइक सही हो गई। तो गाइस भी बज चुके हैं शाम के 4:30, और शाम के दोपहर सी हो रही है, 4:30 बज चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने वापिस से शॉप पे, क्योंकि घर आके मैं नहा धो के डायरेक्ट सो गया था। तो अब फिलहाल चलते हैं, और इसमें बोतल में मैंने चाय भर ली है, मतलब चाय बल ली, चाय पियेंगे हम वहाँ जाके, क्योंकि शाम के टाइम चाय पी रहा हूँ खांसी की वजह से। फिलहाल चाय वाय पियेंगे और बाकी सब कुछ ले, पानी वानी, चलते हैं डायरेक्ट दुकान पे। तो गाइस वापस से चलते हैं अपनी बाइक पर ही। भाई बाइक ही स्कॉर्पियो ना, जो बार बार देखते हो कि किस पे जा रहा है, बाइक ही चलते हैं। यूरी भाई बाइक उत्ता दही सो रहा। पहुंच गए हम दुकान पे, चाबी का होगा। ये आ गए एस्थेटिक वर्ल्ड पे, ओपन करते हैं। पहुंच गए भाई दुकान में, अंधेरा हो रहा है। जब हम यहाँ पर बैठ के पी रहे हैं चाय, मैं और डॉक्टर क्लिनिक पे, अपनी क्लिनिक से इधर आ गए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चाय पी लेते हैं हम जल्दी से। और हाँ गाइस 5 बज चुके हैं, अपना ब्लॉग आ गया है कल वाला, मोनेटाइजेशन वाला, तो जाके देखो 1000 यूट्यूब फैमिली हो गई है। अब पीते हैं चाय जल्दी से। तो गाइस रात हो गई अब, और हमने दुकान बढ़ा दी है, अब चलते हैं घर अपना। तो गाइस फाइनली अब रात हो चुकी है, मैं घर आ चुका हूँ, खाना पीना मैंने खा लिया है। बाकी अब व्लॉग एडिट करते हैं अपना, अब कुछ रहा तो है नहीं, व्लॉग एडिट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज मारी है। पंप अब भी है थोड़ा, मतलब अच्छा है, मोटे मोटे लग रहे हैं शोल्डर। अब रात को रिकवरी होगी सो के, तो फिलहाल सोते हैं। मैंने प्रोटीन पी लिया है और अभी व्लॉग भी एडिट करना है, तो चलो करते हैं। तो मिलते हैं गाइस आपसे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any